बाराबंकी में अखिलेश यादव ने कहा कि सपा इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को बदोसराय स्थित अशरफी लाल इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक स्वर्गीय अशरफी लाल यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रही है। पार्टी का प्रयास है कि बाकी लोग भी इसके साथ जुड़े। रोजगारी लोग नहीं पा रहे, हमारे सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है, सोचिए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है। जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है उसमें आधी आबादी भी शामिल है। ऐसे में बसपा नेता मायावती द्वारा आरोप लगाया जाना ये साबित कर रहा है कि कहीं न कहीं से वो दबाव में है। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है, और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी, और उस पर काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही हूँ। सब लोग भगवान को याद करते हैं, हम रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है। केजरीवाल ने कहा जनता दिल्ली में, जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा कि पीडीए भगवान है, तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है, पीडीए हमारे साथ है, और हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को अपने साथ लाया जाए। ये पीडीए लोग ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे।